ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 179 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਜਦਕਿ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से रहने वाले हैं और आप भारत में कब पहुँचे? जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। मेरा नाम सैयद सरवर हुसैन है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। और मेरा इंडिया मेरा ससुराल है, जो रायबरेली भी है और कौशंबी भी है। यहाँ मैं 21 फरवरी को, मैं 19 फरवरी बॉर्डर किया कि 21 फरवरी को मैंने आमद करवाई थी कौशंबी में, और 31 मार्च को हमें जाना था। मेरा 3 अप्रैल तक का वीज़ा था, 45 डेज का वीज़ा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमें अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ा, जिसमें से LI ऑफिस और आपका पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया का, इंडिया के LI ऑफिसर ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ कि किसी किस्म की LI ऑफिस की तरफ से, किसी किस्म की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान आप कहाँ पर रुके रहे और किस तरह की कोई लॉकडाउन खाने पीने को लेकर या किसी और तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको? जी जी, हम लॉकडाउन में, हम रायबरेली में थे, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में थे। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से हैं जी? सर, नरेश कुमार नाम है, इंदौर से अभी आए हैं। 15 दिन पहले लॉकडाउन के हिसाब से इधर फंसे हुए थे। 15 दिन पहले अभी सी में अप्लाई किया तो उन लोगों ने अभी रिस्पॉन्स अच्छा दिया, बोल रहे थे कि आपकी एप्लीकेशन पे जो है ना गौर करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले उन लोगों ने बोला कि 27 तारीख को आ जाओ ना आप वाघा बॉर्डर पहुँचे, तो अभी पहुँच गए हैं। एम्बेसी वालों का भी शुक्रिया, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। वापिस जान वाले इन नागरिकों विचों कुछ अपने रिश्तेदारों नूं मिलन आए हुए सन, कुछ धार्मिक स्थानों दे दर्शनां लई आए हुए सन अते कुछ मेडिकल सहूलतां लई आए हुए सन। इन्हां दी वापसी लई पाकिस्तानी गृह मंत्रालय वल्लों भारत नूं अपील कीती गई सी, जिस तों बाद भारत सरकार ने सहमति जतांदिआं इन्हां दी वापसी दी इजाजत दे दित्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, द पोलिटिकल एज।